हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है उर्वशी। अरे बिरबल कर क्या रहे हैं? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं वो? इतने सारे हादसे हो रहे हैं महल में, जाने जा रही है, और बिरबल है कि उन्हें होली मनानी है। ये तो वही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार, मुसीबत को न्योता दे रहे। अगर होली की भीड़ का फायदा उठाकर हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो गया तो छोड़िए। क्या छोड़िए? आप भी कैसी बातें कर रही है उर्वशी? आपको कोई फिक्र है? बिरबल आपके होने वाले पति है, कोई फिक्र है आपको? वही तो हम कह रहे हैं रानी साहिबा, ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालना छोड़िए कि हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो गया तो। रानी साहिबा, अब तक तो हम ये भी नहीं जानते वो किससे मारना चाहता है। अगर वो सचमुच बिरबल हुए तो? और अगर वो हमारे चाचा जी हुए तो? हमें क्या कम फिक्र हो रही है अपने चाचा जी के लिए? हमें समझ में नहीं आता है कि आपके बिरबल जानबूझकर हमारे चाचा जी को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं, और ये जानते हुए कि आज होली के हुड़दंग में कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा आपके चाचा जी, हम पर भरोसा रखिए। पर हाँ, भी हम पर भरोसा रखिए उर्वशी, क्योंकि हम होली नहीं खेलेंगे बल्कि होली की भीड़ में छिपकर हर्षवर्धन जी पर नजर रखेंगे। अगर मौत उनके सामने आ भी गई तो हम खुद मौत के सामने खड़े हो जाएंगे। ओ बीरबल, क्या बोल रहे हैं आप? अगर हत्यारे को पता चल गया कि आप होली नहीं खेल रहे हो तो वो होशियार नहीं हो जाएगा? रानी साहिबा, हमने कब कहा कि हम होली की भीड़ में नहीं होंगे? हमने कहा कि हम होली नहीं खेलेंगे, मतलब हमारा बहरूपिया होली खेलेंगे, और हम उस कातिल, उस हत्यारे पर नजर रखेंगे। अगर उसने हर्षवर्धन जी या किसी पर भी हमला किया तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तो फिर बीरबल जी, एक काम कीजिए, दो बहरूपियों का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप होली नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। अरे नहीं नहीं उर्वशी, आपको तो ये होली खेलनी ही होगी, क्योंकि हमारा बहरूपिया तो मिल जाएगा, लेकिन आपका बहरूपिया कहां से लाएं? हमारी उर्वशी जैसी कोई और हो ही नहीं सकती। वो तो है। होली कहते हैं आप बीरबल, होली तो बड़े अच्छी तरह मनाई जा रही है, ना कोई हादसा, ना हमला, ना जुर्म, ना मुजरिम। हम कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़कर सब लोग रंगों के मजे लूट रहे हैं। लगता है वो कातिल भी कत्ल वत्ल को भूलकर होली मना रहा है, बस हम ही बेवकूफों की तरह उसका यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं जहाँ बना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल को पहले से ही ये पता चल गया हो कि राजा हर्षवर्धन की हिफाजत आज कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए उनके आसपास भटकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। या फिर मुल्ला जी, ऐसा भी हो सकता है कि कातिल को पता चल गया कि हम होली नहीं खेल रहे हैं बल्कि हमारा बहरूपिया होली खेल रहा है। जहां बना, इसीलिए कातिल हमला करने नहीं आ रहा है। चलो, इस बात से एक बात तो साबित हो गया कि कातिल जिसकी जान लेना चाहता है वो हम हैं। देखिए, जो भी हो बीरबल, आज आपकी आखिरी होली है। नहीं, हमारा मतलब है आज शादी के पहले ये आपकी आखिरी होली, और उसे आप यूं ये क्या इस तरह मना रहे हैं? आज की होली तो आपको उर्वशी के साथ मनानी चाहिए। जी हाँ, नहीं 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 बीरबल, बीरबल ये हमारा हुक्म है,
जाइए जाकर इस होली को उर्वशी के साथ मनाइए। अरे कहाँ एक कातिल के पीछे अपना वक्त इस तरह जाया कर रहे हैं, जाइए मनाइए। लेकिन अब अरे जाइए हमने कहा। बादशाह अकबर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीरबल, होली तो आपको उर्वशी के साथ ही मनानी चाहिए। और रही बात मौत की, तो भला मौत से किसकी यारी है, आज आपकी तो कल हमारी बारी है। वाह वाह राजा हर्षवर्धन वाह, क्या कमाल की बात की है आपने। जी धन्यवाद बीरबल, हमारा हुक्म है आप अभी के अभी जाइए और होली के कुछ रंगीन पल उर्वशी के साथ बिताइए, क्योंकि शादी के बाद तो गमगीन पल ही बिताने हैं। जा बना आपका हुक्म सर। आखो भाई हुक्म का तो पता नहीं, लेकिन लाठियां आपके सर पर जरूर पड़ने वाली हैं, जाइए। आइए राजा हर्षवर्धन, हम भी होली के रंगों का लुत्फ उठाएं। जी अवश्य, होली है। ओहो आप यहाँ पर क्या सूखे सूखे खड़े हैं, आइए हमारे साथ होली के लिए। नहीं नहीं जहाँ पता हम होली नहीं खेलते, हमें रंग से। मुल्ला जी ये हमारा हुक्म है, आज आप हमारे साथ होली खेलेंगे। हम नहीं, अरे आइए जहाँ पता हम नहीं खेलते, जहाँ पता हमें वो आइए। चलिए चलिए हमारे ठीक है, चलिए हमारे चलिए। अरे ये तो भाग ही गए। चलो भाई होली है। देखिए हमें अच्छी तरह से याद है कि कार्यक्रम की रात को आप फनकारों की टोली में थे, आपने कलाकारों की टोली में से एक कलाकार को अगवा किया, उसकी हत्या की, फिर उसकी जगह लेकर हम पर हमला किया। एक बात बताइए, अगर आप हमारी हत्या करना चाहते थे तो फिर आपने राजा हर्षवर्धन के अंगरक्षक की हत्या क्यों की? मैं किसी और को मारना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता था बीरबल। लेकिन क्यों? क्योंकि इंसाफ और ना इंसाफी में जो रत्ती बराबर का फर्क होता है वो तुम नहीं समझते बीरबल। सबूतों और गवाहों के आधार पे फैसला सुनाने वाले बीरबल, बात याद है ना, मेरे अप्पा इकबाल को तुमने धोखाधड़ी के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया। मेरे अप्पा इस इल्जाम की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। तुम मेरे पिता के हत्यारे हो बीरबल, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था और मारना चाहता हूं। कोई है भाई साहब? अरे आ रहा हूं भाई, कौन है? प्रणाम। अरे राजा बीरबल जी, आप इस गरीब के झोपड़े में? हुकुम, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके पड़ोस में एक इकबाल नाम के आदमी रहते थे। जी हाँ रहते तो थे, लेकिन उन्हें धोखाधड़ी के जुर्म में कैद हो गई। अब पता नहीं बेचारे कैद में हैं या कहाँ हैं। उनके घर पे भी ताला लगा हुआ है। उनका परिवार बहुत इज्जतदार परिवार था, लेकिन इकबाल के कैद होने के बाद बेचारे शर्म के मारे पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे कौन कौन था उनके परिवार? एक प्यारी सी बेटी
और एक सुंदर सी पत्नी और उनका बेटा। बेटा कैसा बेटा? नहीं 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 हुजूर, आपको गलत फहमी हुई है, उनको कोई बेटा नहीं था, उनको सिर्फ एक बेटी थी। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इकबाल को कोई बेटा नहीं था? हुजूर हम बचपन से उन्हें देखते चले आ रहे हैं, उनको कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। तो आप इकबाल के बेटे हैं जी? आप इकबाल के बेटे कैसे हो सकते हैं विमान, जबकि इकबाल का कोई बेटा था ही नहीं, उसकी सिर्फ एक बेटी थी, सिर्फ एक बेटी। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों? मेरा नाम विमान है, ये सच है, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं किसी इकबाल इकबाल का बेटा नहीं हूं, किसी ने ऐसा कहने के लिए मुझसे बोला था। किसने? किसने? बीरबल। अरे छापना आप, इत्तेफाक से हम माफी के पास आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हम आ गए। बीरबल हमें बताइए कि राजा हर्षवर्धन के मामले में आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची, कातिल का कुछ पता चला? जापना बस तफ्तीश मुकम्मल ही समझ। हमें नतीजा चाहिए बीरबल, कातिल कातिल चाहिए हमें। मिल जाएगा जापना, हम पर जिसने हमला किया उसका नाम विमान है, पेशेवर हत्यारा है, पैसे लेकर हत्या करता है। इस मामले में भी वो यही करने आया था, हम उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवा लेंगे। बस हमें कल तक का समय दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि कल हत्यारा आपके सामने खड़ा होगा। जाबना हमने आपसे वादा किया था कि आज दीवाने खास में सबके सामने हम इस खूनी खेल के खिलाड़ी को आपके सामने पेश करेंगे। हम अपना वादा पूरा करने आ गए। तो बताइए ना बीरबल, कहां है, कहां मुजरिम? यही है जापना, हम सबके बीच, बल्कि वो तो हमेशा से यही था, बस हम उसे पहचान नहीं पाए। पहचानते भी कैसे? उस कातिल ने मासूमियत का नकाब जोड़ा था, हम तो क्या फरिश्ते भी उसे नहीं पहचानते। साफ साफ बताइए बीरबल, कौन है वो मुजरिम और क्यों ले रहा है इतने सारे लोगों की जान? प्रतिशोध के लिए। जा बना, ये प्रतिशोध की ज्वाला जब जलती है ना, तो सही गलत, जायज नजायज, अच्छाई बुराई कुछ नहीं देखती, देखती है तो सिर्फ अपना प्रतिशोध। अपने प्रतिशोध की आग में ये सब कुछ जलाकर राख कर देती, भस्म कर देती है। जापना, जापना वो इंसान जिसने हम पर हमला करने वाले कलाकार की जान ली, वो इंसान जिसने अंग रक्षक की हत्या की, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त है। राजा हर्षवर्धन? जी हां जापना, राजा हर्षवर्धन यही है असली कातिल, और इसका सबूत है ये, इनके हाथ पर निशान। अब जरा पूछिए इनसे कि इनके हाथ पर ये निशान कैसे आए? हम बताते हैं आपको, हुआ यूं कि ये आपके मित्र राजा हर्षवर्धन कल रात जब विमान की जान लेने, विमान पर हमला करने कैद खाने में गए थे, तो विमान के साथ इनकी हाथापाई हुई, और उसी हाथापाई के दौरान इनके हाथ पर ये निशान लगे, है ना राजा हर्षवर्धन?
आप ही है ना इस सारे खूनी खेल के असली खिलाड़ी? नहीं नहीं, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। आपके हर करतूत का सबूत, हर करतूत का गवाह है हमारे पास। विमान को पेश किया जाए। चल, चल, चल। अब इतना बता दीजिए राजा हर्षवर्धन के, आप हमारी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्यों? आपकी जान नहीं बीरबल, हम उर्वशी की जान लेना चाहते थे। क्योंकि इसकी वजह से हमारी लाडली मनीषा के सारे सपने चकनाचूर हो गए। हाँ, सारे सपने चकनाचूर हो गए हमारी लाडली मनीषा के। यही है सारे फसाद की जड़ बादशाह अकबर, यह लड़की। अब राजा बीरबल पर हमारा हक नहीं रहा, अब इन पर किसी और का हक हो चुका है। इनसे मिलिए, ये है उर्वशी। बीरबल की होने वाली हमसफर, बीरबल की होने वाली बीवी। मनीषा, मनीषा, ये क्या बेवकूफी है? हाँ, छोड़िए, नीचे उतरो। ये क्या करने जा रही हो तुम? छोड़ दीजिए हमें चाचा जी, हम जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते। हम बीरबल को बहुत चाहते हैं चाचा जी, उनके बिना इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ दीजिए हमें चाचा जी, छोड़ दीजिए, छोड़िए। मनीषा सुनो हमारी बात, हम पर भरोसा रखो। बस तुम हमें थोड़ा समय दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हारी शादी बीरबल से ही होगी। हम वादा करते हैं मनीषा, भरोसा रखो हम पर। मनीषा भरोसा रखो। जिंदगी भर जिसे बेटी की तरह सीने से लगाकर पाला, कैसे बर्दाश्त करते कि एक मामूली लड़की के लिए बीरबल ने हमारी बेटी का दिल तोड़ा। उसी दिन हमने विमान नाम के पेशेवर हत्यारे को उर्वशी की जान लेने के लिए तैयार किया। उस दिन कलाकारों की भीड़ में इसको मौका मिला, लेकिन वहां ये काम अपना नहीं कर पाया। दूसरा मौका इसको होली की भीड़ में मिला, लेकिन वहां भी ये अपना काम ठीक से नहीं कर सका। तो अपने ही अंगरक्षकों की हत्या करवाई ताकि शक आप पर ना आए। इस बात के बारे में क्या आपकी भतीजी मनीषा को सब पता था? नहीं, मनीषा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर इसको पता होता तो हमें ये बिल्कुल भी करने नहीं देती जो हमने किया। आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया राजा हर्षवर्धन, हम आपको अपना दोस्त मानते थे, लेकिन आप तो कायदे के दुश्मन भी ना निकले। लेकिन आप हैं बड़े खुशकिस्मत कि आप आज के दिन पकड़े गए हैं, जिस दिन हम सिर्फ खुशियां बांटना चाहते हैं। आज बीरबल और उर्वशी की सगाई है। अगर आज का यह मुबारक दिन ना होता तो हम आपको बताते तो मुजरिमों के लिए हम कितने संग दिल हैं, लेकिन आज नहीं। जाइए, हम आपको सजा सुनाएंगे, लेकिन इस सगाई के मौके के बाद। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को हमारी आंखों के सामने से, ले जाओ। हट, चल। उर्वशी, बीरबल यहाँ आई। आप दोनों को मुबारकबाद देने के लिए अल्फाज नहीं है हमारे पास, बस यही दुआ करते हैं कि जब तक खुदा का नूर रहे, आप दोनों की जोड़ी पुरनूर रहे। सगाई मुबारक हो बीरबल, सगाई मुबारक हो उर्वशी। अरे आज का दिन रोने धोने का नहीं है, आज का दिन तो खुशियां मनाने का है, जश्न मनाने का है, नाचने का है, गाने का है।
जश्न शुरू किया जाए। सगाई की रस्म शुरू की जाए।